हेलो गाइस, वेलकम टू अंदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्टैक में गेम नोट ओपनिंग प्रॉब्लम के बारे में। तो ये दो रीजंस के कारण हो सकता है। पहला तो आपका कंप्यूटर कैपेबल नहीं है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी जिससे आप गेम खेलते हैं हो सकता है वो कैपेबल नहीं है गेम को रन करने के लिए। या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपने डेस्कटॉप में उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप इमुलेटर के अंदर उस नेटवर्क का यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने पीसी में पहले गेम्स खेलते थे और आपका गेम चलता था और अचानक रुक गया है, या फिर आपको गेम में ये स्क्रीन शो हो रही है, तो इसका मतलब आपके जो इमुलेटर में वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसे सॉल्व करने के लिए आपको बस अपना रिस्टार्ट करना होगा पीसी और उसके बाद ये काम करने लगेगा। अगर अभी इंटरनेट इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लीजिए। ड्राइवर्स अपडेट करने के लिए आपको मैनेज में जाना होगा। मैनेज में जाने के लिए दिस पीसी में राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद मैनेज पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डिवाइस मैनेजर पर जाएँ और वहाँ पर अपने नेटवर्क ड्राइवर पर राइट क्लिक करें जो भी है, और उस पर अपडेट ड्राइवर्स का ऑप्शन पर क्लिक करें। और अगर आपको ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो पीसी है वो इस गेम को रन नहीं कर सकता है। कोई भी बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए आपके पीसी में 4 GB रैम होना चाहिए कम से कम, और एक 4 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। अपने प्रोसेसर चेक करने के लिए आप अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको अपना पीसी का सारे स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाएंगे, कौन सा रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, एवरीथिंग। और अगर आपका पीसी जिसमें 4 GB का मेमोरी है मतलब रैम और प्रोसेसर 4 कोर वाला है और फिर भी गेम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आपका जो पीसी है उसमें वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं है, तो आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। तो वर्चुअलाइजेशन ऑन करने के लिए आप YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसे BIOS में जाकर आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करना होता है। अगर आपको भी वर्चुअलाइजेशन ऑन करना नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।